इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। सामना में छपे लेख के मुताबिक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर अगले 8 दिन में अहम फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से पुणे, नागपुर समेत कई शहरों में पहले ही नाइट कर्फ्यू और कुछ जिलों में 1 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोग लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, मास्क पहने। सीएम उद्धव ठाकरे भी पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में लोग सुधर जाएं। तो महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन पर विचार हो रहा है। वहीं वीवीआईपीज की लापरवाही आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। पुणे में एनसीपी के पूर्व सांसद पर केस दर्ज हो गया इस बाबत। शानदार तामझाम देखकर आपको रुतबे का अंदाजा हो गया होगा, अब जरा मेहमानों पर भी नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शादी में शामिल होने आए कद्दावर नेता शरद पवार और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। शरद पवार ने तो मास्क पहना है, लेकिन मंच पर मौजूद फडणवीस बिना मास्क के ही हैं। महफिल को देखकर लगता ही नहीं कि महाराष्ट्र में फिर से फैलते कोरोना का डर इन लोगों को है। तस्वीरें पुणे की हैं। रविवार को एनसीपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में बड़े बड़े दिग्गज शामिल तो हुए रौनक बढ़ाने के लिए, लेकिन कोरोना के नियमों के उल्लंघन ने धनंजय महाडिक के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नियमों के उल्लंघन को लेकर धनंजय महाडिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। 2 दिन पहले मास्क नहीं पहनने पर विवेक ओबराय का चालान कट गया था। यहां शादी के आयोजक धनंजय महाडिक पर तो केस हुआ, लेकिन बिना मास्क पहने देवेंद्र फडणवीस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शादी में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वीवीआईपी लोगों को क्यों बख्शा गया? क्या उद्धव सरकार के नियम आम लोगों के लिए अलग और वीवीआईपी लोगों के लिए अलग है? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की? तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।